Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my channel. So in today's video, we'll be talking about most important topics of static GK for CHSL 2020. आपको पता है CHSL 2020 का जो एग्जाम है वो अप्रैल में होगा. ऑलमोस्ट 12 अप्रैल के आसपास ये एग्जाम शुरू हो जाएंगे. कुछ रीजन के कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो पेपर तो डिले पे नहीं है, यानी पेपर तो टाइम पर ही होगा. और आपको पता होगा कि CHSL का जो प्री का एग्जाम होता है वो काफी डिसाइसिव फैक्टर होता है फाइनल सिलेक्शन में. ठीक है, जितना अच्छा स्कोर आप प्री में करके जाते हो उतना ही कम प्रेशर हो जाता है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में. डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होता है उसमें कभी कुछ फाइनल नहीं होता है कि कितने मार्क्स आप लेकर आ सकते हो, लेकिन जो आपका प्री का एग्जाम होता है उसमें बहुत हद तक आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितना स्कोर वहां पे कर सकते हो. ठीक है, सीजीएल के एग्जाम में तो फिर भी मैथ्स और इंग्लिश आगे जाके आपको हेल्प कर देती है, इनकेस आपका अगर 10-20 नंबर का ऊपर नीचे प्री के टाइम पे हो जाता है. लेकिन सीएचएसएल में ऐसा नहीं हो पाता. सीएचएसएल में यू विल गेट ओनली वन चांस. तो वहां पे जो जीके वाला पार्ट है दैट बिकम्स अ डिसाइसिव फैक्टर देयर. आपको पता है 180 प्लस या 185 प्लस अगर आपका प्री में आ जाता है स्कोर, या मैं मान लो 175 प्लस भी प्री में अगर स्कोर आ जाता है, तो प्रेशर काफी हद तक ऑफ हो जाता है वहां पे. तो कोशिश करिए आप कम से कम 175 टू 180 की रेंज में स्कोर कर पाए. ठीक है, और उसके लिए आपको जीके पढ़ना बहुत जरूरी है. अभी तक आपने जितना भी जीके पढ़ा होगा उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करिए. और मैंने कोशिश की है कि स्टैटिक जीके के मैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे आपको बता सकूं कि कौन कौन से ऐसे स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने से आपके स्कोर पर बहुत बड़ा अंतर आ सकता है. यानी कि आपके 50 नंबर की जीके है तो आप ये लगा के चलो कि कम से कम भी 30 से 35 नंबर का जो जीके होता है ना वो आपका स्टैटिक से आता है. ठीक है, तो अगर आपका स्टैटिक जीके पर कमांड है तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि आप 30 प्लस स्कोर बहुत इजीली ला सकते हो. पर स्टैटिक जीके थोड़ा सा लेंथी है. पर आप ये भी तो देखो यार, अभी आपके पास 10 दिन का टाइम पड़ा हुआ है. 10 दिन इज मोर देन इनफ टू मेक ए डिफरेंस इन योर स्कोर. ठीक है, तो जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे बता रही हूँ बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है. इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो पेपर में जाने से पहले भाई ये टॉपिक जरूर करके जाने हैं आपने. और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अगर आप स्टैटिक जीके के इन टॉपिक्स को कवर करके जाते हो तो आपको किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं होगा. यू विल बी वेरी हैप्पी कि आप ये टॉपिक कवर करके गए. बट बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेल icon so that you can get all the notifications. Along with that, you can also join me on Telegram and follow me on Instagram, links of which are in description box. Now let's get started. देखो, static GK में मैंने पूरे static GK को 25 topics में cover कर दिया है. ठीक है, आप इन सभी topics के screenshot ले सकते हो, या फिर आप मेरे Telegram channel पे भी मैं ये as it is PDF डाल दूंगी. आप उसमें एक चेकलिस्ट बना सकते हो अपने पेपर के टाइम पे. आपने प्रिपरेशन किया कि चलो ये वाला हमारा टॉपिक कवर हुआ, अब ये हो गया, अब ये हो गया. थरोली कवर करके जाओ सभी टॉपिक्स को. सबसे पहले इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स. ठीक है, अवार्ड्स में नोबेल प्राइज में आपको देखना है कि रिसेंट में विनर्स कौन रहे हैं. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि सबसे पहले नोबेल प्राइज कब दिया गया, विमेन में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला. ठीक है, कौन से ऐसे नोबेल प्राइज विनर थे जिन्होंने एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज को विन किया. इसमें कौन कितने फील्ड्स है नोबेल प्राइज में. ठीक है, टोटल 6 फील्ड्स है नोबेल प्राइज में जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है. वो आपको याद करके जाने की कौन कौन से फील्ड्स है. ठीक है, तो नोबेल प्राइज से लेके जितने भी फैक्ट्स आपको जनरल फैक्ट आपको पता है और बुक्स में अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो वहां पे आप वो सारे कवर करके जाएं. सेकंड है इंटरनेशनल अवार्ड्स. इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी कुछ स्पेसिफिक अवार्ड्स हैं, जैसे रमन मैग्सेसे अवार्ड जो लास्ट ईयर किसको मिला था, जो जर्नलिज्म के लिए होता है, और लास्ट ईयर किसको मिला था, रवीश कुमार को दिया गया था. ठीक है, पुलित्जर प्राइज, कलिंगा प्राइज, गांधी पीस प्राइज, ग्रैमी अवार्ड, और भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं. उनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं कि उनके रिसेंट विनर्स कौन रहे हैं, उसी के साथ साथ पहली बार वो अवार्ड कब स्टार्ट किए गए, और ये अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं. 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो इनकी फील्ड किस फील्ड में दिया गया है अवार्ड, रिसेंट में ये अवार्ड विनर कौन रहा है, और इन अवार्ड्स को कब स्टार्ट किया गया. ठीक है, फिर आते हैं इंडियन अवार्ड्स. इंडियन अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन उतना टफ नहीं है. ठीक है, एक बार रीडिंग करने की जरूरत है. जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड. ये सारे अवार्ड्स आपको जो इंडियन अवार्ड्स हैं वो जरूर पढ़ के जाने हैं. इनसे काफी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में. ठीक है, इनके इन सभी के अगेन मैं वही बोलूंगी कि फर्स्ट टाइम कब दिया गया है, किस फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, इनमें रिसेंट विनर कौन रहा है, फर्स्ट टाइम इनको ये अवार्ड्स किस किस को मिले. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में याद करके जानी है. ठीक है, सेकेंड वन है इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जितने भी बॉडीज हैं,
वो सारी आपने कवर करके जानी है। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, फ्लैग कैसा है इसका, सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं इसके रिसेंट में, ठीक है, लीग ऑफ नेशन का मतलब कौन कौन से नेशन है जो यूएन का पार्ट है, और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि पहली बार फर्स्ट टाइम यूएन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ठीक है, रिसेंट में यूएन में कितनी कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें आपको यूएन के बारे में पढ़ के जानी है। सेकेंड है इसमें अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम यूएन के अलावा भी तो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपने पढ़ के जाना है। फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इनके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो पढ़ के जाएं। फिर इसके बाद आती है हमारी रीजनल बॉडीज। रीजनल बॉडीज में क्या होगा आपकी, मतलब जो हमारे आसपास की बॉडीज है यानी आसपास के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ब्रिक्स, सार्क, आसियान, नाटो, G20, G7 बहुत इंपॉर्टेंट है, OPEC इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन जो पिछले 2-3 साल से काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है, TPP, NAM, BIMSTEC, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स जिसे इंडिया बहुत लोन लेता है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनको इस बैंक से लोन मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, इनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है यानी इनकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, रिसेंट में इनके सेक्रेटरी या फिर इनके CEO या जनरल सेक्रेटरी जो भी इनका डिजिग्नेशन या पोस्ट है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन है, ठीक है, अगर इंडिया से कोई बना है तो यू नीड टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से देखकर जानी है। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स से देती ही है, इसलिए स्पोर्ट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल गेम्स देख लेते हैं, यानी ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, इन सबके बारे में पढ़ के जाना है आपने। इनकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम ये कब हुए, ठीक है, रिसेंटली इनको ऑर्गेनाइज कहां पर किया गया, अगर कैंसिल हुए हैं तो ये कैंसिल कहां पर हुए, किस देश में होना है, फ्यूचर में किस कंट्री में इन गेम्स को कमेंस किया जाना है, ये सारी चीजें इनके अंदर कवर होनी चाहिए। फिर आता है आपका वर्ल्ड कप एंड ट्रॉफीज। वर्ल्ड कप एंड ट्रॉफीज में क्रिकेट वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम्स, ग्रैंड स्लैम्स मतलब बैडमिंटन में ग्रैंड स्लैम्स वगैरह की बात होती है, तो उन सब के बारे में आपने पढ़ के जाना है, कितने तरह के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, रिसेंट में उनका विनर कौन रहा है, ICC, BCCI, FIFA, इन सब के बारे में आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट आपसे नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लिया जाता है, बहुत क्वेश्चन आए हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, इन सब के नंबर्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सो व्हाट टू स्टडी, नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में पढ़ के जाओ, कितने नंबर ऑफ प्लेयर है, लेटेस्ट इनके विनर्स कौन रहे हैं, और अगर कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग फैक्ट है यानी किसी ने कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन स्पोर्ट्स में, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के जाएं। फोर्थ पॉइंट है इसमें इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में DRDO, CSIR, ISRO, UIDAI, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CSO, NSSO, ठीक है, ये सब किसके लिए होते हैं, स्टैट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनको इस्टैब्लिश कब किया गया इंडिया में, ठीक है, और इनका मोटो क्या है, और अगर रिसेंट में इन्होंने कोई डेवलपमेंट की है तो उसके बारे में आप जरूर बताएं। फिर आते हैं डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप ये मान के चलो कि हर पेपर में एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर मिल जाएगा आपको, तो डांस तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने आपने। सबसे पहले आता है इसमें क्लासिकल डांस, ठीक है, हमारे पास 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया में, उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट से रिलेटेड वो डांस फॉर्म है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमें फोक डांस देखने हैं, फोक डांस मतलब लोकल, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल दूं घूमर कहां का डांस है, घूमर है राजस्थान का, ठीक है, तो आपको ये लोकल हो गए ना डांस सारे, तो लोकल जो फोक डांस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक स्टेट के 4-4, 5-5 इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, उन सब के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ के जाए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये स्टैटिक जीके का। नेक्स्ट वन है इसमें बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में अगेन कौन कौन सी बुक्स, जिन नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स को अवार्ड्स वगैरह मिले हैं उन सब के बारे में आपने पढ़ के जाना है, ठीक है, और ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने बुक लिखी है, जैसे कि शशि थरूर की 2-3 बुक्स के बारे में पूछा गया, ठीक है, बिकॉज शशि थरूर इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, प्रेसिडेंट ने लॉन्च कर दी है कोई बुक, किसी फेमस मिनिस्टर ने लॉन्च कर दी है, तो इन बुक्स के बारे में भी काफी बार पूछ लिया जाता है, लेकिन फेमस पर्सनालिटी ऐसा नहीं है हर एक का आपको याद रखना जरूरी है या देखना जरूरी है, जो भी फेमस बुक आ रही है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बुक पहले रह चुकी है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बुक है इंपॉर्टेंट, ठीक है, अकबर के टाइम पे या फिर जो मुगल एरा थी उसके टाइम पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, उन बुक्स के बारे में एक बार जरूर पढ़ के जाए कि उन बुक्स का ऑथर कौन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसमें इंपॉर्टेंट डेज, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट डेज से,
मंथ वाइज तीन तरीके से इंपॉर्टेंट डेज आपने देखने हैं। सबसे पहले मंथ वाइज कि एक मंथ में चार या पांच इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नेशनल डेज आपने देखने हैं कि कौन कौन से नेशनल डेज हमारे बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे नेशनल यूथ डे कौन सा होगा, नेशनल साइंस डे कौन सा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कौन सा होता है, ये सब के बारे में आप एक बार मोटा मोटा जरूर पढ़ के जाएं। इंटरनेशनल डेज के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कुछ 15-20 इंटरनेशनल डेज होते हैं जिनके बारे में रिपीटेडली पूछा गया है, तो वो जरूर करके जाएं, ठीक है। फिर आता है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इतना कॉमन नहीं है ये टॉपिक, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी स्टेट वाइज साइट्स हमारी हैं, इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में कौन कौन सी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको आप याद रख सकते हो या मिल जाते हैं तो उनको पढ़ के जाएं, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, ठीक है, कितनी इंडिया में ऐसी साइट्स है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया है, तो ये सारी चीजें आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। अब आते हैं इसमें नेशनल पार्क, अगेन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक लग सकता है, बट ट्रस्ट मी एक बार अगर ये टॉपिक कवर कर लेते हो तो आप बहुत सेफ साइड पे रहते हो। कम से कम 90% जो बच्चे होते हैं ना वो कभी ये चीज पढ़ के ही नहीं जाते, जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं उनको ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं, उनसे हो ही नहीं पाता क्योंकि वो बहुत लेंथी लगता है उनको। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको उन सेलेक्टेड बच्चों में आना है तो आपको ये सारी चीजें कवर करके जानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, एक किस्म से ये मंत्र बना के चलो, अपना कुछ नहीं छोड़ के जाना है आपने, ठीक है। तो हम नेशनल पार्क स्टेट वाइज देख लो कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, उनकी लोकेशंस देखनी है आपने। फर्स्ट और लेटेस्ट फर्स्ट नेशनल पार्क हमारा कौन सा बना, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी इंडिया की, लेटेस्ट में अगर कोई ऐड की गई है तो कौन सी ऐड की गई है, टोटल नेशनल पार्क और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीसीज फाउंड इन देम, कि कौन कौन सी स्पीसीज उनमें पाई गई है। नेक्स्ट वन है इसमें सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इन इंडिया, आप मैप है ना हमारा एक बार वो मैप उठा लो और उस मैप में इंपॉर्टेंट एक बार सी पोर्ट्स देख लो कौन कौन से हैं, मैप से बहुत जल्दी याद हो जाते हैं सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स अगर वैसे याद करने बैठोगे। द सेम वे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको मैप से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, तो एक मैप ले लो मेंशन करते चलो कि ये हमारे सी पोर्ट्स हैं, ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, स्टेट्स और यूटी वाला भी जो है ये तीनों जो पॉइंट्स है ना ये सारे आपके मैप में क्लियर हो जाएंगे। दो या तीन मैप उठा लो और मैप में सारी चीजें मेंशन कर दो, फिर उनको फटाफट रिवाइज कर लो, उनको एक बार 10 मिनट उठा के भी देखोगे तो भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट की मेजर सी पोर्ट्स देख लो, उनकी लोकेशन, उनसे रिलेटेड फैक्ट, फर्स्ट लेटेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट सी पोर्ट और एयरपोर्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है हमारा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट उनके नए नाम, आजकल बहुत सारे सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के नाम चेंज हुए हैं, वो सारी लिस्ट एक बार आप उठा के जरूर पढ़ के जाएं। फिर आ जाता है स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स एंड यूटीज में अगेन आपको क्या देखना है, कैपिटल देखनी है, उनके सीएम गवर्नर, ठीक है, लीस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हमारी कौन सी है, स्टेट भी देखना है आपने लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड और यूटी भी देखनी है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सी है, तो ये अलग अलग दो क्वेश्चन है, इन पे आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करके याद करना होगा। फैक्ट्स रिलेटेड टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है या गुजरती है, ठीक है। आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइमलाइन है वो किस स्टेट से निकलती है, ये सारी चीजें भी आपको याद करके जानी है। थोड़ा बहुत जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया का, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है स्टैटिक में, वो सारे आपने कवर करके जाने हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं इसमें रिवर्स एंड डैम्स, कौन कौन सी रिवर किस रीजन में पड़ती, किस एरिया में पड़ती है और उनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली कौन सी रिवर है, वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली कौन सी रिवर है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, इंपॉर्टेंट डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर, की कौन कौन सी रिवर पर कौन कौन से डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी रिसेंट में जो उत्तराखंड में जो फ्लड आई थी उसमें कौन सा प्रोजेक्ट हमारा खराब हुआ था, उसके बारे में हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो ये सारे जो रिलेटेड डिटेल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। फिर आ जाते हैं आपके रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यानी इंडेक्स वगैरह कि इंडिया की जो रैंक है किसी एस्पेक्ट पर वो कितनी रही है, इंपॉर्टेंट रैंक्स ऑफ इंडिया जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स अभी रिसेंट में आया था 149 में इंडिया का रैंक क्या था, आई गेस 139 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। करप्शन इंडेक्स पे इंडिया का क्या रैंक है, पॉलिटिकल फ्रीडम पे अभी कितना बवाल हुआ था इस चीज के ऊपर, उसमें इंडिया की कितनी रैंक है, कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो इंडिया में है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये सारी चीजें आपको देख के जानी है, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर उनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको निकालती है, हैप्पीनेस इंडेक्स
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर रैंक निकालती है, करप्शन इंडेक्स पर रैंक निकालने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मोटी मोटी डिटेल्स भी आप जरूर करके जाए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फर्स्ट, किसी भी चीज में फर्स्ट, यानी फर्स्ट इन इंडिया। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने करी, मेल में अलग है फीमेल में अलग है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया से ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता, वर्ल्ड में जो फर्स्ट है मेल और फीमेल में, वो भी आपने देख के जाने। इंपॉर्टेंट चीजें, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ के जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब कर रहे होंगे वहां से आपको आइडिया लग जाएगी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ठीक है। फिर आपने देख के जाना है कि बिगेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट इन इंडिया और इन वर्ल्ड, ये दोनों चीजें। जैसे कि अगर पूछ लें कि बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया में कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, या कोई पूछ ले कि डीपेस्ट ओशन कौन सा है इन वर्ल्ड, तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आता है इसमें नेशनल सिंबल्स, बहुत आसान है, सबको पता है नेशनल एम्बलम, फ्लैग, सॉन्ग, एंथम, ये किसको नहीं पता होता है, सबको पता है ये चीजें। नहीं पता है तो आप एक बार जरूर देख कर जाए, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी पढ़ के जाए। यानी कि सबसे पहले इंडियन फ्लैग जो है वो किसने डिजाइन किया, उसको सबसे पहले कब पब्लिक में लाया गया, सिमिलरली नेशनल एंथम किसने लिखा, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा, तो ये सारी चीजें भी आपने पढ़ के जानी है। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है, उनकी लोकेशन और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने पढ़ के जाने हैं कि आज के टाइम पे हमारी कंट्री में कितने न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए आपको। फिर आते हैं आपके स्टेडियम्स, स्टेडियम्स में वही फेमस स्टेडियम और सबसे इंपॉर्टेंट न्यू नेम्स, नए नाम के ऊपर तो आजकल बड़ा ही बवाल हो रहा है। अभी गुजरात में जो स्टेडियम है उसके ऊपर आपने रिसेंट में न्यूज देखी होगी, ठीक है, तो स्टेडियम्स और उनके नए नाम। फिर आती है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए सेंट्रल और स्टेट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो देख के जाएं। जनरली उड़ीसा, झारखंड, इनसे बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं जनरली, जो इनकी स्कीम्स है वहां से, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री वाइज किसी मिनिस्ट्री ने कोई बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करी है तो उसके बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाएं। तो लास्ट सिक्स मंथ्स में सिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं उनको जरूर कवर करके जाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसमें इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, उनके बारे में बताएं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। अगर फिर मैं बोलूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, या फिर अगर कोई इनकी जो टर्म्स कॉइन की जाती हैं अलग अलग बायोलॉजी में पूछी जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो किस साइंटिस्ट ने कॉइन की, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने एक बार जरूर पढ़ के जाने। कि टेक्नोलॉजी में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि चलो ऑप्टिकल फाइबर बताओ किसने, कि ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंशन किसने किया था, ठीक है, बल्ब का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारी चीजें बहुत ही माइनर डिटेल्स है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन है फेमस टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेमस टेम्पल, कि इन टेम्पल्स की लोकेशन, जैसे सन टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ, सोमनाथ, ये सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ के जाए कि इनका लोकेशन क्या है, कौन से एरा में इन टेम्पल को बनाया गया, ठीक है, किन किंग्स ने या किन डायनेस्टीज ने इन टेम्पल्स को बनवाया, ये सारी चीजें भी आपने जरूर देख के जानी है। फिर आ जाती है आपकी फेमस पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटी में पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि अभी तक जितने भी इंडिया के पीएम रह चुके हैं उनकी एक बार लिस्ट को पढ़ के जाए कि कौन कौन से इनमें से पीएम हमारे रह चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट एक बार जरूर कवर करके जाए, सभी जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनके नाम एक बार जरूर देख के जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पढ़ के जाए कि वो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे रिसेंट में चीफ जस्टिस हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं हमारे, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये तो काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिसेंट में कौन है लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर कौन है। इनमें जो स्पेशल पर्सनालिटीज हैं स्पेशली रिलेटेड टू पॉलिटिकल एरिना, ठीक है, यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में आप एक बार थोड़ी बहुत जानकारी जरूर लेकर जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी माउंटेन पीक्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स, यानी कि कौन कौन सी फेमस पीक्स हैं, हिमालय से रिलेटेड आप याद करके जाएं, ठीक है। माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ के जाएं कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज है और उनकी क्या स्पेशलिटी है। उसके बाद आती है आपकी साउथ इंडियन माउंटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। और फिर आता है आपका फेमस लेक स्टेट वाइज, यानी कि स्टेट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, यानी कौन सी सबसे हाईएस्ट लेक है, यानी और कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, या कौन सी ऐसी लेक है जिसका जो बहुत सॉल्टी है, तो
तो ये सारी चीजें भी आप कवर करके जाएं। फेमस वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ के जाएं, जैसे कि हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। फिर आते हैं आपके लैंग्वेजेस इन इंडिया। लैंग्वेजेस इन इंडिया में आ जाता है आपका क्लासिकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में क्या क्या है, और एट शेड्यूल में जो हमारा एट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। तो एट शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनको ऐड किया गया है, और अगर रिसेंट में कोई लैंग्वेज ऐड हुई है तो उसके बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आती है आपकी इंपॉर्टेंट कमेटी एंड कमीशन। इंपॉर्टेंट कमेटी कमीशन जैसे सरकारिया कमीशन है, मंडल कमीशन, केलकर कमेटी, इन सब के बारे में आपने सुना भी होगा। ऐसी कमेटी या कमीशन जिनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है, जिनकी रिकमेंडेशन से हमारे लेजिस्लेचर में चेंज हुए हैं और जिन्होंने हमारे कानून में बदलाव किए हैं, इस तरीके के कमीशन को या कमेटीज को इंपॉर्टेंट कमेटी या कमीशन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके करंट अफेयर। देखिए जो लास्ट 5 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर है उसको आप थरोली कवर करके जाए, ठीक है। बिकॉज करंट अफेयर से मिनिमम 5 या 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ये आपके स्टैटिक जीके से ही निकलते हैं, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गई, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, अवार्ड एंड प्राइजेस, बुक्स एंड ऑथर्स, स्कीम्स एंड पॉलिसीज, डैम, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्टेडियम, इनमें क्या, इनमें स्पेशल इनके नाम आ जाते हैं, नए नाम क्या रखे गए हैं अगर पुराने थे तो, फिर अगर लेटेस्ट कौन सा इनमें से बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है, ये इनकी लोकेशन वगैरह क्या है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये थे आपके 25 टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिक जीके, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और अगर आपको कोई डाउट है या आपने कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इफ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड गुड लक।